हाँ भैया अरविंद भाई, कैसे हो? बढ़िया है। ये बताइए कि थोड़ा तर्क वर्क से बात कीजिए, क्योंकि दैथी लीलाम। अरे यार अरविंद भाई, तो इतने दिनों मुझे में ये आए, कहाँ कहा चले गए थे? कहाँ था चले गए थे अरविंद लीलाम जी, एक भाई? साल बीत चुका है, एक एक साल साल में ना बीत गया, आपके कहाँ तर्क थे की आप? ना पूरी अर्थी निकल गई है। कहाँ अच्छा, एक हो साल में भाई? कितने इंच लंबे हुए अरविंद आप? अच्छा नहीं यार भाई, अब बाद में पूछ लेना, पहले हाल चाल तो पूछ लो ठीक भाई का। है। यार हाँ भाई हाल चाल कैसे हो सुन, यार, बताओ ना। नहीं भाई कहाँ थे वो यार, हाल चाल ठीक ठाक हो ना? ईश्वर की असीम अनुकंपा से मैं बहुत अच्छा था, और आगे के हाल ठीक है भविष्य के अरविंद लिए भाई का? भी। चाल बदल गई है थोड़ी, चाल अरविंद भाई, चलन ठीक नहीं गौमूत्र है। पीना छोड़ दिया क्या? अभी भी पीते हो? नहीं, गौमूत्र पर नहीं, उसे तो रिसर्च गरारा जारी है, और करते हैं भाई। कम्युनिस्ट नहीं अभी लोग पीते, इस समय छोड़ दिया कि काफी ज्यादा पीते? पी रहे हैं। नहीं, आप पीते हो या छोड़ दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कोई एक व्यक्ति बात करे ना, आप बात करना एक ही तो चाहे कर तो रहा आप है ही करिए, भाई, सिर्फ एक एक ही ही जो व्यक्ति कर तो रहे हैं बात भाई। कर रहा है। हम हाँ तो आप बात ही नहीं कर रहे हो नहीं, हमसे तो। हाँ एलोपैथी भाई, में तो बहुत सारी चीजें आप लोग खा रहे हैं, तो मैं आप तो लोगों ने आपसे खाना सिंपल छोड़ दिया कि क्वेश्चन पूछ नहीं? रहा हूँ अरविंद भाई, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन जी पूछ रहा हूँ। आप पीते जी हो कि छोड़ दिया? मैंने इतना पूछा आपसे। जी बिल्कुल। आपका शरीर खुद मूत्रीय पेशाब से बना हुआ है, आप मानते हैं कि नहीं, पहले बताइए। वो मेरा नहीं बना भाई, वो आपका बना होगा। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने पीना छोड़ दिया या पीते हो? यार भाई अब जवाब सीधे आपके से बॉडी में मूत्र देना। बहता है खून की जगह पे, यह क्या बात नहीं कर रहे ये हैं आप? बताइए कि आपका शरीर बना है कि नहीं बना है? यार, मेरा आप सब भैया, मेरा तुम्हारी तो नहीं मूत्र बना से है, नहीं बना ये भाई, ये मेरा आपके तो मतलब नहीं बना आप है, भाई, उसी मेरा मार्ग से मूत्र पैदा मूत्र से हुए हैं। नहीं वो बना भाई। लिक्विड है सब, वो तरल पदार्थ था जिससे आप पैदा हुए हो, और उसी मार्ग से निकलता है जिस मार्ग से आप करते हो। किस कह मार्ग दो से कि आप भाई? उससे इनको ये भी नहीं पता नहीं। मूत्र का मार्ग अलग होता है भाई। ओ भाई थोड़ा पढ़ लो यार बायोलॉजी को भाई, यार ग्रंथ यार पढ़ोगे ना तो ऐसे ही रहेगा दिमाग। ऐसे ही रहेगा अच्छा भाई। तो इनको मूत्र मूत्र की जगह एक ही लगती है भाई, इनको इनको कुछ नहीं पता आप यार, हद पेनिस में, कर दी ना। आप सुई जितने छिद्र से नहीं निकले हो आप, गलत, यानी कि आप साइंस को जानते ही नहीं हो, आप उसी से निकले हो भाई साहब। पीनस से कौन निकलता है यार? अरे भाई उसी से निकले हो श्रृंगी यार, ऋषि उससे का तो नाम सुना स्पर्म है आपने भाई, अरविंद जी? उससे तो स्पर्म निकलता है यार, उससे इंसान तो नहीं निकलता यार, नहीं, इंसान तो फिर माँ के पेट से श्रृंगी ऋषि निकलता का नाम सुना है आपने? है। श्रृंगी नहीं ऋषि कैसे पैदा इससे हुए नहीं, थे? श्रृंगी रुकिए रुकिए, ऋषि के उससे बारे में नहीं बताइए। जानते? वो आप भारद्वाज बताइए, ऋषि आप क्या कर रहे थे इन्वेस्टर भाई? के दीर्घतमा कैसे पैदा हुआ भार... था? हाँ हाँ यार भारद्वाज कैसे पैदा हुए थे यार? वो भारद्वाज वाला यार, हाँ बहुत दिन हो गया यार, वो ये दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये अब कौन है भारद्वाज है बताओ ना, अरविंद, ये कौन है बताओ, ये कौन है? अब ये बताओ कि आप सभी लोग पेशाब से पैदा हुए हो कि नहीं हो, पहले ये बताओ बताओ ना कौन भाई। है, तुम हो पेशाब से पैदा भाई, हम लोग पेशाब से बताओ पैदा ना नहीं हुए। अरविंद, ये अच्छा, कौन है? आपका शरीर बना हुआ है कि उसी लिक्विड से अरे ही बना है, भाई पहले ओ, बताओ। अरे ओ शरीर वाले, ये बताओ कौन है? वो जो है, वो आपकी तरह जो है, वो भी पेशाब अरविंद से ही पता, आपकी मिलकर बना कृपया है। यार, फिर मैं ऐसे अरे ये अरविंद कौन भाई, अगर है, ये ऐसे है कौन? अरविंद भाई ऐसी बकलोली बातें करोगे ना, तो मैं पता टाइटल में क्या डालूंगा, एक टुन्नी क्या? पेशाब से पैदा हुआ, पेशाब से पैदा हुआ टुन्नी। नहीं जवाब तो आप दो ना। आप जो है मुझसे मिलकर के बने हो, आप यही जवाब नहीं दे पा रहे हो, अरे तो आप भाई ऐसा ओ कैसे भाई, ये भाई, आप कौन ये हो, है? ये बच रहा है यार, ये ये बताओ। बच रहा है, साबित बहुत ज्यादा करो बच रहा है। मेरे भाई, ये कौन कहां है? से पढ़े हो, ये चीज खोल के लाओ। आप खुद निकले हुए हो, आप खुद साबित कर सकते हैं इस बात को। अरे अरे भाई यार हाँ, ओ, पहले ये बताती हूँ, सब कुछ पूछ। ये कौन है भाई, पहले बता ये अब आपको नहीं दिख रहा है, कौन है, बताओ ना थोड़ा ये तर्क कौन है? भाई ये बताइए कि पूछ, कम्युनिस्ट लोग जो है, ये अरे जल्दी बता आप, कौन है यार। ये गौ माता है गौ माता है? जी। हाँ, हाँ बिल्कुल, और ये कौन है? ये जो है, कौन यार है ये बताइए? आपका नाम लेने में हिचक अच्छा, क्यों है भाई? संस्कृत में ना इनको ये कसम ब्राह्मण भी कहा है, जाता है। एक मिनट न्यूटन सर, ये अरे गौ माता का खसम है भाई। ये भाई गौ माता का बॉयफ्रेंड है। हाँ, ये मान लीजिए कि मतलब ये अरविंद जी, ये देख भाई, वो मान लिया भाई, वो मान लिया कि सही सही है। मतलब अगर गाय माता है तो सांड तुम्हारा बाप है।
हाँ अब बिल्कुल क्यों नहीं, वो मजिद उस जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चे का पूरा बोझा अपने कंधे पर रखता है, उसी तरीके से वो जब हल चलाता है, खेत भाई थोड़े जोतता कम है, तो कर दो जी, उसको कुछ आप उस ज्यादा नजरिए से होता। देखिए, हर चीज का प्रसंग अलग होता है। अच्छा सुनो ना, कम्युनिस्टों की सोच की तरह नहीं, सुनो तुम, कम्युनिस्ट तो किसी भी चीज को, हाँ उनको ए तो सिर्फ भाई एक ही दिखता है सुनना, बस। ये देखना कैसे करता है भाई, रुक जाए यार रुक। जी ये बताओ तुम इसके पैसा आपसे पैदा आप खुद है? मिलकर, अच्छा आप निकले हो कि नहीं निकले हो, अगर आप अच्छा ये रेशनल हो बताना तो तुम, बताओ। ये एक मिनट सुनो सुनो, ये तुम्हारा बाप है? नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अच्छा कि उस बताना, जिस तरीके से अरविंद भी प्यारा उसमें भाई, मेरा प्यारे भाई, क्या ये बाप है तो तुम्हारा? बोलने तो भाई हाँ या ना वो तो जिस बोलो। तरीके से, अच्छा देखो, गाय अगर माँ है तो सांड बाप हुआ ना, हाँ तो हाँ तुम्हारा बाप ऐसे आवारागर्दी करके बाहर घूमता है सड़क पे, तुम लोग कुछ बोलते नहीं उसको? उसका मेहनत देखो किस तरीके से खेत को अरे जोतता है, तुम्हारा सब जा बाप करके सांड आप जो जैसे, है ये घूमता है सड़क पे, हाँ बाइक चलाओ बीच में आ जाता है। तो ये हाँ कम्युनिस्ट तभी खाना पाते हैं लड़ता है दूसरे पशुओं सांड आ से, मतलब जैसे। तुम्हारे तुम्हारे जो चाचा लोग हैं उनसे लड़ता है। नहीं वो लड़ते, वो कुछ नहीं भी मतलब, करे, वो जो है हम लोग देखते हैं, हम हर प्राणी में जो है अच्छा ये बताओ सद्भावना की सांड की दृष्टि कौन से सी देखते। विशेषता तुम में आई है बताओ? अब हाँ ये जी बताइए ठीक है, कि आप रेशनल हैं ये तो बताओ। आप पेशाब से मिलकर के बने हैं कि नहीं बने हैं, अरे आप ये, उस अरे छोड़ दो उसको, भूल जाओ वो वाली बात को, भूल नहीं जाओ। ये बताओ आप सांड की कौन सुई, सी विशेषता तुम्हारे अंदर आई है? क्या आप बताइए कि आप साढ़ से किस तुम्हारी प्रकार से आंखें इन भिन्न सांड हैं। के जैसी है? तेरी आंख सांड के जैसी है क्या अरविंद? एक पूरी मतलब ये सृष्टि में पांच क्या तुम अच्छा पांच तत्व से ही मिलकर के सब सुनना बने भाई, हैं, आप यार भी बने यार हैं, साढ़ देखो भी बना है। आजाद, ऐसा होता है ना कि हम किसी का बेबी होता है तो हम जैसे देखने गए तो बोलते हैं अरे वाह ये बेबी तो पूरा अपने बाप के जैसा दिखता है ना, बोलते हैं ना अरे इसकी आंखें तो इसके पापा जैसी है। अरविंद ये सांड के जैसी है क्या तुम्हारी आंखें? बात यह है कि उसमें भी वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वही आइटम पाया जा रहा है, पांच तत्व नहीं नहीं से मैं ही पूछ मिलकर रहा के हूं आप क्या भी बने तुम्हारी हैं। आंखें सांड पे गई हैं? नहीं मैं कह रहा हूं कि पांच तत्व से अच्छा मिलकर मैं आप भी देखा हूं बने हैं, पांच सांड तत्व जो से। होता है ना, सुनो तो, सांड जो होता है ना कोई भी गड्ढे वाली चीज में अपना सींग घुसेड़ता है, तुम करते हो ऐसा? ये साल मुझे मनुवादी लग रहा है, क्योंकि ये ये जो सांड है मनुवादी है? साढ़ सांड भी मनुवादी है क्या भी मनुवादी? सांड तो है ही बंदर मनुवादी भाई। है यार अरविंद, क्या ये हो गया भाई, मनु पागल तो नहीं हो गया भाई, ये कोई ब्राह्मण मनुवादी की सांड तरह है ये? दिख रहा है, ये ब्राह्मण अरे की यार तरह दिख रहा अरविंद है ये खुद साल ब्राह्मण को। है भाई, अरविंद नहीं कोई भाई खुद ब्राह्मण हो तुम तो, ये यार ये मनुवादी खुद है, ये ब्राह्मण मनुवादी साड़ है, है, मनुवादी ये सांड है मनुवादी साड़ भी, हाँ ये मनुवादी है, यार। ये अरविंद को क्या और हो ये गया जो भाई है आज? क्या ये हो गया भाई ब्राह्मण लग अरविंद। रहा है मुझे। अरे यार अरविंद क्या मजाक मस्ती कर रहा है भाई ये ब्राह्मण जो अरविंद, है बहुत नास्तिक कुत्ते बन टाइप के लोग होते हैं रहे यार हैं। ये अरविंद अरविंद, अरविंद यार ये अपने ही बंदा है यार, नास्तिक यार क्या यार, अरविंद, हाँ अरे तो अपने हाँ ब्राह्मण सर, देवो भाव है पता ही है। नहीं नहीं ब्राह्मण ये देव जो हाँ ब्राह्मण लोग होते हैं ये कम्युनिस्ट होते हैं, वामपंथी होते हैं, ये सभी इनको लोग कुछ नहीं कम्युनिस्ट आता जाता वामपंथी है, होते हैं? और ये कुछ वामपंथ क्या होता है अरविंद हाँ क्या होता है? जी? वामपंथ कम्युनिस्ट, ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं कम्युनिस्ट तो लोगों कम्युनिस्ट लोगों एक का अलग गलत विचारधारा है विचारधारा ना, वामपंथ क्या होता है? है, क्या होता है चलो बताओ। वामपंथ जैसे हाँ कुछ ब्राह्मण लोग नाम बदल करके, मतलब कि कम्युनिस्ट जैसे की ब्राह्मण स्पेलिंग लोग क्या होती होते है हैं, चलो ये बताओ। थोड़ा तर्क से बात करने दीजिए ना, अब कोई अरे यार पहले वामपंथी बताओ ना ब्राह्मण वामपंथ क्या लोग होता है कम्युनिस्ट में आ अरविंद गया जी। भाई, बताओ वामपंथ क्या कम्युनिज्म होता है जो है, बताओ। हाँ कम्युनिज्म एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, वामपंथ संस्कृत का शब्द है या इसे हिंदी का शब्द भी कह सकते हैं, और इसके मायने बहुत अलग है। तो आप ये बताइए वामपंथ क्या होता है, बहुत देर से वामपंथ वामपंथ कर रहे हैं, वामपंथ आप जानते हैं वामपंथ क्या को, होता है? वाटर को पानी बोल दोगे, नीर बोल दोगे, तो उससे उसका व्यक्तित्व या फिर वास्तविकता थोड़ी यार जानते हो कि बदलेगी। नहीं जानते हो ये अरे बताओ यार ना, नहीं वामपंथ पता है क्या तो है, बोल अच्छा देना पता कम्युनिज्म है। क्या है यही पूछ लेते हैं ना, 2 मिनट में बता हाँ दिया भाई, कम्युनिज्म बता क्या भाई चलिए, क्या है कम्युनिज्म? चलो कम्युनिज्म तो क्या है जो बताओ। अभी बता तो रहा हूँ कि झूठ को सच का चोला पहना करके वो जो लोग प्रस्तुत करते हैं वो कम्युनिस्ट मतलब कहलाते जो हैं। सावरकर कहाँ लिखा था है वो क्या कहाँ था, लिखा है कम्युनिस्ट था? सावरकर कम्युनिस्ट था? सावरकर? वो बता तो रहा हूँ, मनुवादी ही कम्युनिस्ट होते अच्छा हैं, और भगवान जो कृष्ण क्या मनुवादी थे, कम्युनिस्ट थे? नहीं, जितने ब्राह्मण लोग होते हैं वो कम्युनिस्ट होते हैं, जैसे भगवान कोई कृष्ण? अगर नहीं, तिवारी तुम है बोले ना चकला भाई कि है। जो
झूठ को सच बता देता है वो कम्युनिस्ट होता है। तो भगवान कृष्ण क्या थे? बना जो झूठ को सच बना देता है, बता नहीं देता है, देता है। वो, हाँ, चलो ये सही, सच भी बना दिया जाता है। हाँ, वो चोला पहना करके वो इतना बार झूठ बोल उसको बताते हैं कि उसको लोगों ने लगता है कि ये अच्छा, सच है। गाय तो ऐसे एक कोई जानवर है, ठीक है, तुम उसको अपनी अम्मा हाँ बोल दिए, तुम एक झूठ को हाँ सच बना लिए, तो तुम कम्युनिस्ट हो। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे कोई शुक्ला होता है, तिवारी होता है, मिश्रा होता है, ये सभी कम्युनिस्ट होते हैं, ये लोगों को ये सब ठगते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं। ये सब कम्युनिस्ट होते हैं। तो ये कम्युनिस्ट लोगों का काम क्या होता है कि कहीं पी जाकर के बीच में बैठ जाते हैं और गांजा बहुत नान अच्छी क्वालिटी थान का मिला है भाई आज अरविंद को, अच्छा। मानिए अरविंद भाई, भाई, आप गांजा बहुत समझ अच्छा नहीं आ वाला रहा है। भाई, अरविंद भाई अच्छा कम्युनिज्म ये की तो बताओ, किताब पढ़ी है अरविंद जी आपने, कि किताब वगैरह कुछ और आपने पढ़ा है? कम्युनिस्ट बता तो रहा हूँ मैनिफेस्टो और पढ़ा है क्या। आपने? अरे अरविंद का, न्यूटन अरे जी, अरविंद भाई, अरविंद इसमें से मजा अच्छा नहीं ये आ रहा यार, क्वेश्चन थोड़ा वो पेशाब पे अरविंद भाई वापस से आओ ये यार। पूछ लेते हैं। आजा अरविंद जी, भाई आजा से जी। ये पूछ लेते हैं। हाँ पेशाब पे हाँ वापस वो लाओ इनसे, वही पेशाब का मतलब वही पूछो, पेशाब का मतलब क्या होता है, पूछो जरा, हाँ वहीं ले चलते हाँ हैं। अच्छा, इनके लेकिन पेशाब अरविंद का मतलब मतलब, बताओ अरविंद भाई, हाँ क्या वो भी मतलब है पूछते पेशाब हैं। का, हाँ बताओ बता जरा। तो, हाँ अच्छा बताओ ये बताओ। बताइए, आप उस सुई अरे जितने नहीं, पेशाब का दिमाग से हिंदी आप में मतलब निकले कि नहीं बताओ। निकले, अरे बेटा आप इतना मतलब घुमाओ बताओ, मत, पेशाब का हिंदी में मतलब बताओ। बताओ भाई। अच्छा ये बताइए, मुंह से अगर आप अरे कोई अपन खाना मुंह संधि से विच्छेद कर निकलता है लेते तो हैं, उसको चलो आप पेशाब का पलटी हिंदी में कहते। मतलब बताओ। ये मैं तुम्हें नहीं बता, तुम्हें बताना है बेटा, आज तुम्हारी परीक्षा है। अच्छा, पेशाब का किसके हिंदी में कान मतलब में बताओ। पेशाब डाल के, अच्छा एक बात बताओ, किसी के कान में पेशाब डाला गया तो एक बच्चा पैदा हुआ, कौन था वो बताओ। चलो वो कौन था बच्चा कौन बताओ। था। चलो हाँ अब ये तो हमको पता है कि आप लोग उसी सुई जितने छिद्र मार्ग से निकले हो, ये बताइए आप निकल कैसे पाए इतने अरे बड़ा पेशाब सुई का उस मतलब बता मार्ग से। बेटा, भाई क्या पेशाब बात कर शब्द का रहे हो मतलब यार क्या ये, होता है, हैं ये बता। बहुत भाई, पेशाब, तेरी पेशाब का गाय ज्यादा, अम्मा पेशाब क्या का ज्यादा मतलब बता प्लास्टिक दे। खा ली गया भाई, आज पच नहीं रहेगा कुछ तेरे को। हाँ आप क्या निकले क्या हो कि बात नहीं कर रहे निकले हो यार, पहले ये बताओ, अरे पेशाब का आप मतलब तो निकले बता ही देते, फंसा नहीं हुआ निकले है हो कहीं, जाएगा तू पेशाब से निकले कि नहीं तो निकले। निकल के वापस चला गया। अच्छा नहीं, हम इस सब पेशाब के मतलब अच्छा पूछो, आप पेशाब का मतलब क्या होता है हिंदी में, पूछो पेशाब इससे। का मतलब क्या हाँ होता है, चलो बताओ। हिंदी में बता यूरिन, चल। अरे वो तो उसको अंग्रेजी हो यूरिन गया, बोलते बकू हैं, वो हिंदी पता, अंग्रेजी हिंदी होगा, हिंदी में पेशाब का मतलब क्या है? उरिन, उरिन नहीं उसको होता, यूरिन हिंदी होता है, ठीक यूरिन ही मैंने बोला है। है। हाँ तो अरे उरिन नहीं बता होता भाई, बता भैया, यूरिन होता है। चल हिंदी में बता, हिंदी में पेशाब का मतलब बता। हिंदी में उसको ये बताइए, अरे आपका शरीर पांच तत्व से मिलकर के हमें तो बना सब है, पता है, गाय का हिंदी भी में बना बता। है। अरे नहीं फिर पे बना है, बात पांच मानिए, तत्व अरे तेरा यार मैं शरीर बात सिर्फ, करूं अभी। तेरा पेशाब शरीर का सिर्फ हिंदी में गौमूत्र भाई से मतलब बना है पांच भाई, तत्व से नहीं हमारा बना छोड़ दे तू, है। तेरा सिर्फ हमारे गौमूत्र तत्व से से बना नहीं है, बना भाई, गौमूत्र और सांड के गोबर, सीमन से बना है। गोबर से, नहीं, गोबर से और साथ में गोबर भी। आपका शरीर उसी पांच तत्व से मिलकर के आप अरे सभी बने पेशाब का हो, मतलब तुम बता हिंदी है में, पेशाब का कौन सा मतलब क्या पांच होता है तत्व यार? भाई, कौन सा पांच तत्व तत्व नहीं, भाई। पेशाब बता, क्या होता है पेशाब का मतलब हिंदी में? अब भैंस भी उसी में से बनी है। अच्छा मनुवादियों का अरे काम भैंस, यही का गधा, है कि घोड़ा नहीं, वो, पेशाब का अरे मतलब क्या भाई होता है ये बता मनुवादी दे। भाई, अगर मैं वो बता दूंगा, चल अच्छा मनुवादी, आखिरी में नहीं बता ये पाओगे तो कौन मैं बता दूंगा, चलो पेशाब भाई का हिंदी में अरविंद, मतलब तू बताओ। कौन सा असम भाई, भाई सुन्नी मनुवादी तो अपने भाई। लोगों को गाली बकने लगा यार, बताओ यार। अरे यार ये पेशाब अरविंद भाई मनुवादी बता रहे मनुवादी कर पेशाब, रहा है अरविंद फिर अरविंद, पेशाब बता रहे पेशाब का मतलब क्या है। अच्छा मनुवादी पेशाब का मतलब मनु असमानता होता पैदा करते हैं। है, नहीं पेशाब का मतलब मनुवादी मनु लोग जो होता है होते लो। हैं अरे अरविंद पेशाब का उस हिंदी में मतलब बता बेटा, हिंदी पढ़ी है यूरिन कि नहीं, होता हिंदी की है चिंदी करी है उसका, कि नहीं? यूरिन तो इंग्लिश में होता है, यूरिन होता है, यूरिन अरे होता है उरिन नहीं उसका, होता बेटा, लेकिन यूरिन इंग्लिश होता है अंग्रेजी में, पर हिंदी में पूछ रहे हैं हम तो, हिंदी में पूछ रहे हैं, हमें इंग्लिश तो मतलब ही नहीं ना। हिंदी में पेशाब का मतलब क्या है बताओ। अच्छा आप उससे मिलकर के बने हो कि नहीं बने हो, आप अरे साइंटिफिक तरीके से बता पेशाब का दीजिए हिंदी में आप। मतलब पूछ रहे हैं अरे भैया, भाई वो बहुत, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं हिंदी सुलभ शौचालय में बैठा हूँ यार, बहुत पेशाब पेशाब हो गया यार, बस कर दो भाई। यही इतनी देर से बोल रहा है, ऐसे मतलब ही नहीं पता पेशाब का बताओ। आपके बेवकूफ है, पढ़ते लिखते ही नहीं है, ढो रहे हैं एक नंबर के, मतलब हिंदी के शब्दों के अर्थ तक नहीं पता सेवेंटी इनको, यहाँ बहस परसेंट करने आ जाते हैं। अच्छा ये हाँ भाई बताओ, बता पेशाब का हिंदी मतलब सेवेंटी बता दे, फिर परसेंट मैं बता आपका, दूंगा एंड में। चल अरे गधे, पानी मैं हिंदी क्या और जानूंगा, पेशाब में मैं अंतर है, आप 70% कोई नहीं पेशाब से नहीं बना जानता है आदमी, गधा इंसान, हम क्या क्या बोले जा रहा है भाई। तू हाँ गांजा बड़ा ज्यादा बोल फूक रहे लिया, हो, तीन उसी मार्ग से, सुट्टा ज्यादा मारा आज तू, उसी मार्ग से निकले हो ना, उसी मार्ग से निकले हो हैं ना आप। आप अरे बताइए, तो आप मतलब तो उसी बताओ, मार्ग उस से मार्ग निकले का ना। मतलब क्या है? अभी तो तेरे जूम करके दिखाया था ना, सांड के कहां से निकला है तू, छोड़ तू, चुप रह भाई। वो यार ये भी अरविंद का उसमें है। भी पांच अच्छा तत्व अरविंद, मिलकर के अरविंद बना यार है, आप भी भाई, पांच तत्व। चलो यार अरविंद भाई हाँ यार, चलो थोड़ा खिदमती हो जाए यार, बहुत हाँ दिन बाद आए ना, थोड़ा कुछ अलग क्वेश्चन हो जाए यार। ये लोग देखो, हाँ ये आपको वो चिढ़ा रहे यार हैं वो अरविंद, चलो रामजी इन्हीं वाला लोगों मुंह मेरे से बात निकालना कर यार, लो। वो हाँ शिष्य मैं इनसे वाला बात कर, भाई अच्छा अरविंद आप। भाई, अच्छा अरविंद भाई यार प्लीज सुन लो ना भाई,
अच्छा थोड़ा थोड़ा से ना मैं आराम आराम से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि एकदम से आप ना झेल नहीं पाते हो। तो अरविंद भाई अच्छा ये बताओ यार, आप इतने दिन से आए नहीं, मतलब पहले आप मनुवाद को सपोर्ट करते थे, अब आप मनुवादी मनुवादी बोल रहे हो, तो मतलब कौन सी विचारधारा को फॉलो करने लगे हो आप, थोड़ा सा ये बता दो फिर हम आगे चलते हैं ना। मैं ये देख रहा हूँ कि जो मनुवादी टाइप के लोग होते हैं वो प्राणियों में, यानी कि जो जीवित लोग हैं अरे उनमें भाई, वो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आप कौन सी विचारधारा को फॉलो करने लगे हो ये बताओ। मैं मानवता मनुष्य यानी कि जो इंसानियतवादी विचारधारा है, मैं उस वादी नहीं बल्कि जो इंसान की विचारधारा है, आई डोंट बिलीव इन इज्म। इजम तो इंग्लिश बोला अरविंद भाई, इंग्लिश बोल दिया अरविंद, अरविंद यू इंग्लिश मी आई विल इंग्लिश यू, समझा? डोंट इंग्लिश मी, क्या सिर्फ मैं काले पुतले हूं अरविंद, डोंट इंग्लिश मी, मैं काले पुतले नहीं, क्या सिर्फ मैं काले पुत्र ही इंग्लिश बोलेंगे या फिर मनुवादी या फिर ब्राह्मणवादी ही इंग्लिश बोलेंगे? अच्छा आजकल तो यार, आजकल तो गाय के पुत्र भी बोल रहे हैं भाई अंग्रेजी। हाँ मैं मेन मुद्दे पे, साले गाय और सांड की औलादे अंग्रेजी बोल रहे हैं भाई, बताओ भाई। वो भी पांच तत्व से मिलकर के बने, आप भी मिले हैं। आवारा गर्दी करता हुआ यार, अरविंद भाई अंग्रेजी बोल रहे हैं यार। चलो आपका टॉपिक पर चलते हैं अरविंद भाई, टॉपिक पर प्लीज, सुई जितने मार्क से आप निकले हो, आप वही हो। अरे भाई आप यूरिन हो, सुन लो यार, टॉपिक पर चलते हैं जी। यार भाई आप यूरिन हो, आप किसी पे क्लेम यूरिन नहीं होता यार, ये क्या तू यार, यार ये क्या तू ज्यादा यार, ये पेशाब के लिए गाय का उससे गरारा मार लिया, उससे तू नहाया, उसको कान में डाला, नाक में डाला, जल नेति कर लिया क्या भाई तू यूरिन से? हाँ गाय के पेशाब से आपको याद है क्या गया है तेरे दिमाग में? पेशाब चढ़ गया यार, 70% यूरिन नहीं होता यार। अमित सर एक मिनट, आपको पता है पिछले साल जब हम लोग स्टार्ट किए थे आप सभी उसी से मिल करके बने यार, अरविंद एक मिनट कर रहा से। अमित सर एक मिनट, आपको याद है जब हम लोग स्टार्ट किए थे कोई सनातनी मौर्य आया था और हम उस पर कहीं भी बात करते थे पर वो योनी पे पहुंच जाता था, मतलब जाता था। योनी पे अटक गया था, ऐसे ही अरविंद यूरिन पे अटक गया भाई, क्या उसको योनी पीड़ा थी समझे अरविंद को शौच पीड़ा है, शौच पीड़ा समझा अरविंद, तेरे को पीड़ा हो गई है अरविंद, अरविंद तेरा या तो बंद हो गया, कुछ हो गया है तेरे साथ भाई, तू कर क्या रहा है यार? 70% आदमी यूरिन से नहीं बना है यार। आप साइंटिफिक तरीके से साबित कर दीजिए कि आप उस मार से कहां लिखा है, हां आप निकले हो तो मैं निकले, आप साइंटिफिक तरीके से साबित कर दीजिए, वेदों से बाहर निकल जाओ अरविंद जी, वेदों से बाहर निकल जाओ, पेशाब से पैदा हुआ है अरविंद का, अरविंद का साइंस सुनो, बोल रहा पीनस से निकला है अरविंद भाई यार, इसका साइंस सुनो क्या है यार ये आदमी। हाँ द्रोणाचार्य ऐसे पैदा तो हुए थे, द्रोणाचार्य तो पत्ते से बाहर निकले थे। तो यानी कि आप लोग साइंस पर विश्वास नहीं करते, हम मानु आदि है यानी कि जो ब्राह्मण अरविंद यार देखो अरविंद यार, ये लोग साइंस पे करते हो, मैं नहीं करता साइंस पे विश्वास, मैं तो सिर्फ राम जी पे विश्वास करता हूँ और हनुमान जी पे। अच्छा अरविंद भाई ये बताओ, आप हनुमान जी और राम जी को मानते हो कि नहीं, ये बताओ। मैं सिर्फ वेद को मानता हूँ, गीता को मानता हूँ और महापुरुष को मानता हूँ। राम को, राम महापुरुष वेदों में जातिवाद है, राम वेदों में जातिवाद है, राम महापुरुष है कि नहीं, राम महापुरुष है कि नहीं, जातिवाद वेद में नहीं है। अच्छा भाई ये बताओ, राम महापुरुष तो मानोगे नहीं आपके, राम महापुरुष है कि नहीं ये बताओ। बिल्कुल महापुरुष है, कोई भी व्यक्ति जो अरविंद जी वेदों में जातिवाद दिखा दिया मैंने, आज से नास्तिक बन जाओगे आप? नहीं दिखा पाएंगे, बल्कि कम्युनिस्ट वैदिक बन जाएंगे। आगा जी, खोलिए जरा यजुर्वेद का 30-21, 30-21 खोलिए, 36 खोलिए यजुर्वेद का। पहली बात यह है कि जो अरे हम आपको वेद पढ़वाएंगे ना, ईश्वर की वाणी, क्या दिक्कत है आपको? आपको वेद नहीं पढ़ने, ईश्वर की वाणी पे आप ऐसा मना करेंगे? वेद में सृष्टि का जितना कुछ साइंस है जो सत्य, अरे आप पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है? अगर जी खोल दीजिए ना, वो आर्य मंतव्य वेद.com में मिल जाएगा आपको, दयानंद भाष्य है भैया, दयानंद भाष्य है, यजुर्वेद में न्यूटन, यजुर्वेद 30 चैप्टर नंबर 30 मंत्र नंबर 21, ऋग्वेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद 30 का, अच्छा 21, एक मिनट,
अच्छा दुनिया के, अच्छा ये बताइए कि ऐसे कौन से कम्युनिस्ट या कोई अरे फिर भाई अलग जो वो संप्रदाय है मजहब। ए शांत हेलो, रहे, अरे चुप रहो यार, चुप रहे। नहीं जो हर प्राणियों में जो है संवेदना यानी कि की पूजा अरे करते भाई हैं। अरे रंभाना पढ़ो बंद ना कर दे वेद। थोड़ा देर मत रंभा, अभी आइजेक न्यूटन सर कुछ पढ़ रहे हैं। हाँ सर पढ़ो। हाँ ये देखो भवार्थ, इसका देखिए आप भवार्थ में क्या लिखा है, अग्नि स्थूल पदार्थों के जलाने को समर्थ होता है सूक्ष्म को नहीं, पृथ्वी पर निरंतर सर्पादि फिरते हैं किंतु पक्षी आदि नहीं, भंगी के शरीर में आया वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवने योग्य नहीं होता, इत्यादि तात्पर्य जानना चाहिए। और यही चीज जो आपके पदार्थ यही लिखी हुई है, देखिए बीच में आता है तीसरी तीसरी लाइन में है, पीली आंखों वाले उत्पन्न कीजिए वायु के स्पर्श के अर्थ से भंगी को, क्रीड़ा में अर्थ अर्थ प्रवृत्त हुए गंजे को, गंजे की बात आई है, राज्य विरोध के लिए प्रवृत्त हुए के लिए कब्रों को, और अंधकार के लिए प्रवृत्त हुए काले रंग वाले पीले मेरे लिए आपकी नेत्रों वॉइस से कट युक्त रही। पुरुषों को दूर कीजिए। हाँ मेरी वॉइस आती है? हाँ हो सकता है कुछ इश्यू हो, अभी आप ठीक है। लोग पढ़ लीजिए, मेरे को दिख भी नहीं रहा है अच्छे से, बट इसमें आप ये देखिए यहाँ पर भंगियों के शरीर से वायु दुर्गंध युक्त आती है ऐसा ईश्वर कह रहा है। तो लो भाई आपका ईश्वर तो जातिवादी है, नहीं बनोगे पहली बात तो नास्तिक? यह है कि इसमें जो कुछ नहीं, रुकिए पूरी बात तो सुनिए। ये जो बता रहे हैं आप, ये कोई दूसरी चीज है, ठीक है। जब आप वेद को क्या पढ़ेंगे, चीज है तो वेदांत को बदल पढ़ेंगे, बदल लोगे, जितने बदलवा लोगे, नहीं दूसरी चीज है तो नहीं बदलवा रुकिए लोगे, इसको सुनिए भ्रम पहले है आजा आपको। देखो अरे वेद मंत्र था ना, धैर्य रखिए थोड़ा। मैं टेलीग्राम में लिख रहा नहीं हूँ वाला थोड़ा खोल। धैर्य रखिए। जितने कम्युनिस्ट हैं वो सभी वेद को फॉलो करने लगे हैं, वो यार ये वैदिक दयानंद बताए, सरस्वती का क्योंकि है, यही दयानंद सरस्वती समझते कम्युनिस्ट थे हैं। क्या? दयानंद सरस्वती कम्युनिस्ट थे क्या? नहीं बता, आज के नहीं थे टाइम की ना, जो ये उन्हीं का फिलॉसफी भाष्य चल है, रही है वो आधे, अरे उन्हीं का भाष्य है, ये चेंज करवा लोगे? महोदय दम है, चेंज आप करवा लोगे? नहीं चेंज थोड़ा, करवा लोगे क्या, बताओ ना, महोदय वेदों को थोड़ा, मानते हो अरे ना? नहीं वेदों को मानते हो कि नहीं मानते आप हो ये बताओ टेलीग्राम ना, देखा मानते हो ना? तो ये जिस मानते दिन हो कि ईश्वर आपने जातिवादी है? वैदिक वेद ईश्वर में जिस दिन जातिवादी है कि नहीं है? जातवाद मैंने आपने दिखा दिया दिखा अभी दिया, आपको। जिस दिन आपने वेद में जातवाद अरे में अभी तो अपना दिखाया आप, व्याख्या अभी तो दिखाया तीस का 21 यजुर्वेद, यार क्या किया, बात कर रहे हैं, अभी दिखा दिया मैंने आपको, साफ साफ लिखा है कि भंगी के शरीर से ऐसे दुर्गंध ही युक्त हवा आती है तो वो सेवने योग्य नहीं होता, साफ साफ लिखा हुआ है, कैसा नहीं होता? आपको आपका वैदिक ईश्वर तो ये वेद जातिवादी है, कोई, ये लिखा हुआ है, चेंज करवा लोगे? दम है, बदलवा सकते हो, बदलवा सकते हो, दम है, सही वाला करवा सकते हो, महोदय जाके करवा लोगे, चेंज करवा लोगे, दम महोदय है वेद पे, ये यार? कोई आप तो धर्म फफूंदी नहीं की बचा तरह पा खड़ा रहे हो होने यार, वाला ये तो नहीं बचा पा रहे भंगी हो। हाँ है। जी वेद वेद में जब जब भी ये कोई जातिवाद है ना, कम्युनिस्ट अभी का दिखा दिया वो ना मैंने, यजुर्वेद का अपने 30-21 दिखा दिया ना मैंने, गलत साबित कर दोगे? इसमें जात कहाँ, इसमें जात कहाँ, बात यार कहाँ ये सचमुच निकली है पेशाब कि से बना है यार, आपकी स्थिति। सीरियसली। आप उसी मार्ग से निकले हो खुद भी, और दूसरों को अच्छी कर साबित कर दीजिए कि आप नहीं निकले कहाँ उस लिखा है मार्ग भाई, से। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? वो जाओ वो आर्टिकल लेके आओ जहां पर ये चीज लिखी हुई है, प्रैक्टिकल जाओ। आप खुद निकले हो कि नहीं निकले, प्रैक्टिकल खुद साबित अरे करने भैया की कहाँ लिखा है, जरूरत कहाँ पढ़ा है आपने? मैं गपोड़ी भी बातें नहीं सुनता ना, जिस, अगर हिम्मत है तो आप नहीं लेके आके दिखाओ, तबंग आज सुनेंगे उसको। ये आप साबित कर बताइए दिए कि ना हम पेशाब ओशो से नाम, बने हैं, आप साबित कर सकते हैं कि हम पेशाब से बने हैं? अरे अरे चले गया, अरविंद अरविंद कहाँ गया भाई। हेलो, हाँ मैं निकाल लिया वो वाला। चले गया।